तो तुम लेखक बनना चाहते हो। चार्ल्स पोकोवस्की, अनुवाद वरुण ग्रोवर। तो तुम लेखक बनना चाहते हो, अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के मत लिखो। अगर बिना पूछे बताए ना बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबां और पेट से मत लिखो। अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते कमीने शब्दों को मत लिखो। अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो मत लिखो। अगर लिख रहे हो कि ये रास्ता है किसी औरत को बिस्तर तक लाने का तो मत लिखो। अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार, जाने दो। अगर लिखने का सोच के ही होने लगता है तनाव, छोड़ दो। अगर किसी और की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ। अगर वक्त लगता है कि चिंघाड़े तुम्हारी अपनी आवाज, अगर वक्त लगता है कि चिंघाड़े तुम्हारी अपनी आवाज तो उसे वक्त दो। पर ना चिघाड़ेगर फिर भी तो सामान बांध लो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीवी या प्रेमिका या प्रेमी या अपने माँ बाप या अजनबी आलोचक को तो तुम अभी कच्चे हो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीवी या प्रेमिका या प्रेमी या अपने माँ बाप या अजनबी आलोचक को तो तुम कच्चे हो अभी। अनगिनत लेखकों से मत बनो, उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक, उदास और खोखले और नक्शेबाज, सौ मैथुन के मारे हुए। दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं, दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं तुम्हारी कौम से। मत पढ़ाओ इसे, दुहाई है मत पढ़ाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, तब तक चुप रहना। जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, तब तक चुप रहना। पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता, मत 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 लिखो। क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तुम लिखोगे और लिखते रहोगे। तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म नहीं हो जाते तुम या ये हवस। क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म ना हो जाते तुम या ये हवस। कोई और तरीका हो ही नहीं सकता।